केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट लागू होने के विरोध में कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मंडी समितियों के कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें मंडी बोर्ड में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडियों में मॉडल एक्ट लागू कर दिया गया है। अब व्यापारी मंडी के बाहर अनाज गल्ला खरीद कर सकते हैं, जिससे मंडी समितियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारियों को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिल पाई है। मॉडल एक्ट लागू हो जाने से कृषि उपज मंडी सूनी पड़ी है। मॉडल एक्ट के तहत ट्रेड यूनियन लागू कर दिया गया है, ऐसे में मंडियों में किसान अनाज बिक्री करने नहीं ला रहे। मंडी समितियों के कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें मंडी बोर्ड में शामिल किया जाए और ट्रेजरी के माध्यम से उन्हें वेतन दिया जाए, जिसको लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे मॉडल एक्ट लागू करी है, जिसके ट्रेड यूनियन के अंतर्गत उन्होंने मंडी क्षेत्र के बाहर टैक्स फ्री कर दिया है बिल्कुल। तो मंडी के अंदर प्रांगण में आने वालों में भर आप टैक्स ले सकती हैं, जिससे मंडियों की स्थिति ये हो गई है कि बिल्कुल आय बिल्कुल निरंक हो चुकी है। व्यापारी बाहर ही जब माल खरीदेगा तो किसान अंदर क्यों लेके आएगा। तो स्थिति यह है कि कर्मचारियों को विगत दो माह से तनख्वाह की स्थिति नहीं है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है, कर्मचारियों को एक तो मंडी समिति के कर्मचारियों का संविलियन किया जाए, मंडी बोर्ड में लिया जाए, और हम लोगों की तनख्वाह कर्मचारियों की जो है वो ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए और हम लोगों को राज्य शासन का कर्मचारी घोषित किया जाए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।